और बच्चों कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपने अध्याय 15 जो कि था हमारा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आकार, इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में चर्चा कर ली है। पार्ट नंबर 3 में हमने गोले से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको अच्छे से कर ली है। आज के इस क्लास में बच्चों यानी कि पार्ट नंबर 4 में मैं आपको घन और घनाभ के बारे में पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ इसी क्लास में मैं आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों आज आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था सर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 के बारे में। और ये जो भाग 4 है वो इस अध्याय का अंतिम पाठ होने वाला है। आज जो है ये आपका अध्याय कंप्लीट होने वाला है और साथ ही साथ हमारा जो इकाई 7 है ना, इकाई 7 क्षेत्र मिति, ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो आज फिर से हम अपने 8 नंबर की तैयारी पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, ये मैं मानकर चलूंगा। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो मैं आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूं, उसको एक एक चीज को पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना। देखो तो क्वेश्चन पर जाने से पहले हम पढ़ने वाले घन और घनाभ के बारे में। अक्सर जो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो आपके घन और घनाभ से ही दे दिया जाता है। इसमें 3 या फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, हमेशा यहां से 1 नंबर वाले क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो यहां पर हम एकदम डिटेल में घन और घनाभ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में जानेंगे। अगर आपको एकदम बेसिक जानकारी लेना है तो बिल्कुल आप हमारे अभिप्सा एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलो देखिए, यहां पर बच्चों 2 आपको कॉलम दिख रहे होंगे। फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है घन यानी कि क्यूब, दूसरे कॉलम में सर दिया हुआ है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो दोनों में सर अंतर क्या होता है, दोनों के चित्र में देख पा रहे हैं कि दोनों के चित्र में क्या अंतर है? जो घन होता है ना बच्चों वो आपके वर्ग से मिलकर बनते हैं, जबकि घनाभ जो होते हैं वो आयत से मिलकर बने होते हैं। तो सर यहां से हमें एक बात पता चलती है कि घन जो है वो वर्ग से मिलकर बना, यानी कि इसके सभी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, सभी जो भुजाएं होती है बराबर होती है। सब बराबर की होती है, देखो जो वर्ग होते हैं वर्ग में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। और 2 वर्ग मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, क्या बनते हैं? घन बनते हैं। तो इसमें सभी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं? बराबर होते, क्या होते हैं? बराबर होते। बिल्कुल सर, हमने घन के बारे में समझ लिया। अब घनाभ क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घनाभ जो होते हैं वो आपके आयत से मिलकर बने होते हैं, और आयत में क्या होता है, केवल और केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। चारों भुजा बराबर हो गया तो वो तो आपका बन जाता है घन, आमने सामने की भुजा बराबर है तो आपका सर कहलाता है घनाभ, ठीक है। तो इसमें सर एक बात समझ में आती है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है, तीनों चीजें अलग अलग हो सकती है, ठीक है। देखो इसमें 2 चीजें भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, ठीक है। 2 चीज एक समान हो सकती है और एक चीज भी अकेला अकेला क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन अगर तीनों बराबर हो गए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गए तो वो कहलाएगा घन। क्या कहलाएगा बच्चों? घन में शामिल होने वाला, बिल्कुल। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब यहां पर कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे घन और घनाभ से संबंधित, यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, यहां से पता है कि सर आपके यूनिट नंबर 7 से एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके घन और घनाभ से ही संबंधित होते हैं। तो यहां पर मैंने 5-6 पॉइंट लिख कर रखा हुआ है जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। एकदम से नहीं पढ़ेंगे, एकदम यहां पर हम डिप्ली नहीं पढ़ने वाले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। सारी चीजों को हम यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको हर चीज क्लियर करने लग गया तो आपका कोर्स कंप्लीट कराने में मुझे 6 महीने का टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके पास 6 महीने तो नहीं है, कुछ ही दिन से बचा हुआ है, मात्र 1 से 1.5 महीने आपके पास समय बचा हुआ है। तो उस 1 से 1.5 महीने में हम ऐसे तैयारी करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आ पाए। हम बेसिक को करेंगे थोड़ा सा इग्नोर, हम उस क्वेश्चन पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलो यहां पर कुछ पॉइंट दिया गया है, उसको एक एक कर पढ़ते हैं और समझते हैं। आ जाओ देखो, बिल्कुल
सबसे पहला नंबर दिया गया बच्चों यहाँ पर फलकों की संख्या। अगर मैं बात करूं ना घन और घनाभ में, तो यहाँ पर चार पॉइंट जो है वो दोनों में समान होने वाले हैं। क्या क्या सर समान होने वाले? ये जो चार पॉइंट आपको दिख रहे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों पॉइंट दोनों में समान होने वाले। क्या क्या? देखो सर, घन और घनाभ में ना फलकों की संख्या, दोनों में फलकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? ये होती है छह। कितनी होती है? फलकों की संख्या होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां पर एक नंबर मिलने वाला है कि सर घन और घनाभ दोनों में फलकों की संख्या छह होती है। अगर पूछ ले कि सर कोरों की संख्या कितनी होती है, तो दोनों में घन और घनाभ दोनों में कोरों की संख्या जो होती है वो बच्चों वो 12 होती है। कितनी? 12 होती है। अगर पूछ ले कि शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो दोनों का जवाब बिल्कुल सेम आने वाला है कि सर दोनों में शीर्षों की जो संख्या होती है ना वो सर 8 होती है। कितना बच्चों? 8 होती है। चौथा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, इसको अच्छे से समझना। सर घन और घनाभ में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों आपको जवाब देना कि सर 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। अब यहां से देखो, ये तो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन हुआ कि सर घन में विकर्ण की संख्या जो होती है वो 4 होती है। देखो अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने वाला है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि घन या फिर घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो बच्चों आपका जवाब आना चाहिए कि सर घन और घनाभ में दोनों में कुल विकर्ण जो होती है ना वो 16। ठीक है, 16 कुल विकर्ण जो होती है वो 16 होती है। घन और घनाभ में दोनों में कुल विकर्ण, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना। अगर केवल विकर्ण पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए 4, अगर कुल विकर्ण पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 16 होती है। अब ये 16 जो है वो दो अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? 12 जो होते हैं वो आपके पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, और जो 4 होते हैं ना वो आपके आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो टोटल पूछ ले विकर्णों की संख्या, तो बिल्कुल आपका जवाब आना चाहिए सर 16 होते हैं। अगर पूछ ले कि पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पूछ ले कि सर घन में पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितनी होती, तो बिल्कुल घन या फिर घनाभ दोनों में पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, 16, 12 होते हैं। अगर पूछ ले कि सर आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं, तो दोनों का जवाब बिल्कुल घन और घनाभ का कितना आएगा, 4 आने वाला है। ठीक है, चलो यहां पर कुछ और पॉइंट दिया गया है घन से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, अक्सर यहीं से क्वेश्चन कर लिया जाता है। देखो घन का आकाशीय विकर्ण, अगर आपको निकालना है घन का आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण के लिए a वर्गमूल 3 इकाई होता है। क्या सर? a वर्गमूल 3। अब ये a क्या है सर? तो a क्या है? घन की भुजा है। क्या बच्चों? घन की भुजा है। तो यहां से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि एक घन की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। तो उस घन के आकाशीय विकर्ण होगा, तो बिल्कुल a की जगह आपको लिखना 5, फिर ये हो जाएगा वर्गमूल 3। सेंटीमीटर में जैसे ना, तो यहां पर सर ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर घन का आकाशीय विकर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालोगे। ठीक है, अगर पूछ ले कि पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा, पृष्ठीय विकर्ण आकाशीय विकर्ण पूछे तो क्या बोलोगे? सर a वर्गमूल 3। अगर पूछ ले कि सर पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा, तो a वर्गमूल 2 हो जाएगा। a क्या है? ये क्या है? ये क्या है सर? घन की भुजा। क्या बच्चों? घन की भुजा होने वाली है। बिल्कुल सर, हमने यहां पर घन को अच्छे से समझ लिया। इतने ही, यहीं से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, बाहर से बिल्कुल नहीं आने वाला। आ जाओ अब हम यहां पर इसको समझते हैं, पांचवा नंबर को समझना यहां पर बाकी था। चलो आ जाओ, तो घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, अगर पूछ ले कि सर घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़ा सा लगा वर्गमूल, फिर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग करके आप बिल्कुल घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको यहां पर दिया गया घन की लंबाई जो है वो 5 है, घन की चौड़ाई जो है 6 है, और ऊंचाई जो है वो 7 है, तो अब आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में उसको वैल्यू पुट करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर बिल्कुल आने वाला है। एक नंबर के लिए ही पूछा जाएगा, 3 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए बिल्कुल यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलो, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी घन और घनाभ से संबंधित, जो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। बस इतना ही नहीं है, घन और घनाभ के बारे में बहुत डीपली आप पढ़ सकते हो, उसको पढ़ने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो सर हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन, आ चुका है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, आपको बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो अब देखो, यहां पर मैं
आपको फिर से बता देता बच्चों कि हम एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में लास्ट सेमेस्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका रीजन मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, एक बार और सुन लो, क्योंकि बच्चों ये जो आपका अध्याय अध्याय 15 ना, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर जितना ज्यादा आप अपने फॉर्मूले को याद किए होंगे तो बिल्कुल ये आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, तीन पार्ट में हमने जितने भी फॉर्मूले बनते थे उन सारी चीजों को अच्छे से याद कर लिए, रट लिए, समझ लिए। अब उसी से संबंधित हम यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सरल होने वाली है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सर हमें क्या दिया और क्या निकालना, आ जाओ। तो बोला गया कि दो गोला है जिसकी त्रिज्या क्रमशः यहां पर दिया गया है सर आर 1:3 है। तो दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, R1 और R2 दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 हमें दिया गया, ठीक है सर। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुके हैं। फिर क्या बोला है, उनके आयतनों का अनुपात होगा, हमें आयतनों का अनुपात निकालना, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को हमें एक नंबर के लिए बनाना है, देखो अब इसको डायरेक्टली बनाना है। तो सर दो गोले हैं ना, कितने गोले बच्चों, दो गोले हैं, दोनों गोले के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 1:3 दिया गया है। तो पहला गोला चलो हमने लिया R1 और दूसरा गोला हमने लिया हुआ R2, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात बच्चों हमें दिया गया 1:3 दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 1:3 दिया गया, बिल्कुल। हमें निकालना क्या, उनके आयतनों में अनुपात निकालना। अब देखो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हमें पता है कि अनुपात, अनुपात निकालना है किसमें, आयतन में निकालना, ठीक है। और आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो ये पहले वाले किसके लिए, पहले वाले गोले का आयतन हुआ। अब अनुपात निकालना, अनुपात का मतलब बटा होता है, आपको पता है ना, बटा होता है सर। दूसरे वाले गोले का आयतन जो है वो V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, V2 हो जाएगा बराबर। अब देखो यहां पर सर पहले वाले गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों याद कीजिए मैंने आपको बताया हुआ था कि गोले का आयतन, गोले का आयतन सर निकालते हैं 4/3 फिर पाई फिर आता है R³। यहां पर हम निकाल रहे हैं पहले वाले गोले का आयतन, तो क्या लिखा जाएगा, R1 की घात में लिखा जाएगा 3 फिर बटा लगेगा, फिर क्या हो जाएगा 4/3 फिर पाई। अब दूसरे वाले गोले का आयतन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा R2 की घात में सर यहां पर लग जाएगा 3, बिल्कुल। यहां से 4/3 दोनों से निपट गया, पाई से पाई निपट गया, तो हमें क्या मिला यहां पर, देखो सर यहां पर ना ये R1 का मान 1 है और ये R2 का मान क्या बच्चों, 3 होने वाला है। तो R1 की घात 3 है, R1 का मैं बोल रहा हूं कि 1 है, तो 1 की घात 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, ये मिलने वाला 1, क्या मिलेगा 1 ही मिलने वाला, ठीक है, बटे में। देखो फिर R2 का मान क्या है यहां पर, देखो 3, तो 3 की घात 3 करेंगे तो 3 का 3 से ही करेंगे, 3 बार गुणा, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कितना, 27 आने वाला, कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। अब बटे को आप चाहो तो चेंज कर लो अनुपात में, तो ये हो जाएगा 1:27, बिल्कुल। ये आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर होने वाला 1:27 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर अ आपका सही जवाब होने वाला है कि सर अगर दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात जो है वो 1:27 होने वाला, बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो चलो आर त्रिज्या वाले बेलन का परिमाप होगा, आर त्रिज्या वाले बेलन का सर परिमाप होगा। तो पहली बात बच्चों बेलन बनता कैसे, बेलन दिखता कैसे, देखो यहां पर देखो बेलन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता, मैंने आपको बेलन के बारे में पढ़ाया होता तो चित्र को दिखाया हुआ था, ये कुछ इस प्रकार से हमारा बेलन बनता है। हमें यहां पर आर त्रिज्या वाले बेलन का परिमाप होगा, परिमाप बताना। देखो ये है सर बेलन की ऊंचाई है, क्या है ये बेलन की ऊंचाई है, और ये है क्या है इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। देखो अब हमें यहां पर इसको बताना है कि सर इसका परिमाप क्या होगा, तो ये कौन से शेप में नजर आ रहा है बच्चों, आधार जो है वो कौन से शेप में नजर आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर ये हमके वृत्त की नजर में आ रहा है, वृत्त के शेप में नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आपको लगाना यहां पर वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप वाला फॉर्मूला। यह क्या होता है वृत्त का परिमाप या फिर परिधि, सर ये निकालते हैं 2πr, क्या निकालते हैं 2πr निकालते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर आपका आंसर होने वाला 2πr, कौन से ऑप्शन में दिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि आर त्रिज्या वाले बेलन का परिमाप होगा 2πr, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो इस तरह से आपको सोच लेना, चलो कुछ भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका। चलो देखो क्या पूछ लेगा, इस क्वेश्चन को मैं कई बार कर चुका हूं वृत्त वाले में, वृत्त वाले में करा चुका हूं। देखो क्या पूछ लेगा कि
एक गोला है जिसका व्यास दिया गया सर 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, कई बार चिक चिक कर बोल चुका बच्चों कि व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन बनता है, कि व्यास जो होती है ना सर वो त्रिज्या की दो गुनी होती है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर यहां पर आप लोगों को दे दिया गया सर व्यास दे दिया गया त्रिज्या निकालना है तो व्यास का कर दो आधा, तो 20 का आधा करोगे तो क्या मिलेगा 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला, टिक करो आगे बढ़ो। एक नंबर के लिए पूछा गया था। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4। चलो हाँ, यह पूछा गया पिछले साल ही पूछा गया था 2022 सेट सी में पूछा गया था कि सर घनाभ में कोरों की संख्या होती है, घनाभ बोल दे या फिर घन बोल दे, दोनों में कोरों की संख्या सर यह होती है 12। कितना 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर, यहां पर नहीं आएगा ना, सेंटीमीटर को काट देना है, ठीक है सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है घनाभ में कोरों की संख्या होती है 12 होती है, ठीक है सेंटीमीटर नहीं लिखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। चलो मुझे इसका आंसर बताओ आप लोग, क्या पूछ लिया गया है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है सर 3 सेंटीमीटर। देखो ये एक शंकु है जिसकी त्रिज्या, यहां पर मैं आपको चित्र बनाकर दिखा देता हूं, देखो आ जाओ, देखो हमारा शंकु, शंकु यानी कि जिसमें हम आइसक्रीम भरकर खाते हैं, यानी कि कोन, देखो ये कुछ इस प्रकार से हमारा कोन होता है, शंकु होता है, ये देखो ये थोड़ा तीखा होगा क्या, सीधा बनाता हूं, आ जाओ ये देखो ये क्या बच्चों, ये आपका आइसक्रीम खाने वाला कोन बन चुका है, शंकु बन चुका है जो कि तंबू के आकार में होता है। देखो सर ये ना ये जो है ये इस तंबू की इस शंकु की क्या है ऊंचाई यानी कि एच है, और एच का मान हमें दिया गया, ऊंचाई दिया गया सर एच बराबर हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर त्रिज्या यानी कि आर का मान सर ये भी दिया गया 3 सेंटीमीटर, क्या दिया है 3 सेंटीमीटर दिया गया हमें ने सर, यहां पर त्रिज्या ऊंचाई को ज्ञात करना है यानी कि स्लैंट हाइट, क्या स्लैंट हाइट, ये वाले इस वाले ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने इस ऊंचाई को ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला बताया था कि आप यहां पर क्या करोगे पाइथागोरस परमेय लगाते हो, और पाइथागोरस परमेय क्या कहता है कि सर जो कर्ण का वर्ग होता है ना वो दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहां पर ये कर्ण निकालना है, ठीक है चलो यहां पर ये त्रिज्या ऊंचाई को हमने लिया L, हमें निकालना है कि सर कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके आधार और लंब दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आधार यहां पर सर ये है क्या आर है, तो आर का वर्ग यानी कि हम करेंगे 3 का वर्ग सर हमें मिलेगा 9, ठीक है। फिर लंब का वर्ग, लंब यहां पर आपको दिख रहा है इस शंकु की ऊंचाई क्या है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे हमें मिलेगा 16, बिल्कुल 16 मिल चुका। अब देखो तो L वर्ग बराबर दोनों को जोड़ देंगे सर हमें मिल जाएगा 25, ठीक है चलो तो L की घात 2 बराबर, देखो अब यहां पर क्या मिलेगा, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब मुझे यहां पर L का मान निकालना था ना कि L स्क्वायर का मान, तो मुझे ये वर्ग हटाना है, तो वर्ग हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेंगे तो हमें L के 2 मान मिलने वाला है जिसमें से केवल हम L के धनात्मक मान को लेने वाले हैं, तो यहां पर जो वर्ग है आने वाला वर्गमूल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर यहां पर क्या मिलेगा, देखो सेम यहां पर भी लागू होगा, आने वाला जो वर्गमूल है इस वर्ग को कैंसिल कर देगा तो हमें सीधा डायरेक्टली मिल चुका 5, क्या मिला 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल उस शंकु की त्रिज्या जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर होने वाली, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। पूछा गया था 2017 सेट सी में, क्या दम है इस क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है, इतना इजी से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ भी खेल नहीं इसमें, आ जाओ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछ लिया गया कि इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई है, यहां पर इस कथन को सत्य या फिर असत्य बताना है। क्या बोला गया कि त्रिज्या जो है वो इकाई है यानी कि त्रिज्या जो है एक है, त्रिज्या जो क्या बच्चों एक है, ठीक है सेंटीमीटर में है मीटर में किसमें हमें पता नहीं है, कि त्रिज्या जो है क्या इकाई है यानी कि एक है, बिल्कुल ठीक है। तो गोले का आयतन होगा बच्चों, गोले का आयतन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको और बताया था कि सर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर यहां पर बोला कि सर कि त्रिज्या जो है ना वो इकाई है, तो आर की जगह क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे एक लिखोगे, और एक का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको एक ही मिलेगा, और एक का गुणा इसके साथ करोगे तो 4/3 पाई ही मिलने वाला है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया सर 4/3 पाई आया, यानी कि किसी गोले की इकाई जो है त्रिज्या जो इकाई है, किसी गोले की जो त्रिज्या है वो इकाई है, तो गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई घन इकाई, बिल्कुल कथन जो क्या है सत्य है, पूर्णतः सत्य, पूर्णतः दिया गया कथन जो है स्टेटमेंट है वो ट्रू है सत्य है। चलो पूछा गया था 2020 सेट ए में, इसका जवाब हमने इजीली दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये आ चुका आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देख लो आ जाओ क्या पूछ लिया गया, फॉर्मूला फॉर्मूला को पूछ लिया गया, आ जाओ
तो आर त्रिज्या है वह ऊंचाई है एच, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। अब भी तो मैंने इसी फॉर्मूला को बताया था यार कि ये है हमारा शंकु कोण है जिस पर आप आइसक्रीम भर भर के खाते हो, ये हमारा क्या हुआ शंकु हुआ, ठीक है। ये है इसकी ऊंचाई एच और ये है इसकी त्रिज्या आर। अब पूछ लिया गया स्लैंट हाइट यानी कि इसकी हाइट त्रिज्या ऊंचाई का बताओ, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें निकालना है एल का मान, तो दोनों पक्षों में हमने ले लिया वर्गमूल, तो यहां पर सर ये लग जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिल्कुल ये आपका फॉर्मूला है, तो देख लो यहां पर ये दिया गया कि नहीं, तो बिल्कुल त्रिज्या ऊंचाई बराबर यहां पर दिया गया था वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिया गया कथन पूर्णतः क्या है सत्य, क्या है सत्य होने वाला, ये हमारा आंसर होने वाला। बिल्कुल चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछ लेगा, इतना इजी क्वेश्चन, सेकंड नहीं लगेगा इसमें, सेकंड नहीं लगेगा। क्या पूछ लेगा, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। भैया शंकु चलो ये शंकु है हमारा, शंकु है ना, ये कौन है जिस पर आप आइसक्रीम खाते हो, ये कौन हुआ। अब पूछ लगे कि इसका आधार वृत्ताकार होता है क्या, तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से तो दिख रहा है ना कि ये कौन से शेप में नजर आ रहा है, वृत्ताकार नजर में आ रहा है, तो कौन सा हुआ वृत्ताकार होने वाला है। और ये वक्र के शेप में बनता है, किसका बच्चों वक्र के शेप में बनता है। एक जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया प्रश्न क्रमांक 10, फिर से उसी क्वेश्चन का पूछ जाए कि सर शंकु में केवल वक्री पृष्ठ होता है, तो बिल्कुल यहां पर शंकु में केवल वक्री पृष्ठ होता है, वक्री पृष्ठ होता है। बिल्कुल आपका कथन जो है सत्य है, यहां पर भी शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, यह कथन भी पूर्णतः सत्य होने वाला है। क्या है सत्य होने वाला, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दिया था क्या, नहीं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है, जो कि एक नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला, हाँ इतना कह सकता हूं अगर इतने क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप इजिली सॉल्व कर लोगे। पहले हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने आज की इस क्लास में एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। और आज जो है वो इस अध्याय का अंतिम वीडियो था, आज जो है हमारा अध्याय बोल दो या फिर यूनिट बोल दो दोनों खत्म होने वाला है। आज हमने फिर से 8 नंबर की तैयारी अच्छे से कर लिया है। आपका एक अध्याय बच चुका है, आपका एक यूनिट बच चुका है, यूनिट नंबर कौन सा 8 है, जो कि सांख्यिकी है, और उस अध्याय का नाम क्या, अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, यह आपका बच चुका है, ठीक है। उसी अध्याय बस को पढ़ना और बाकी है, और हमने आज की क्लास में पूरे अपने अध्याय 15 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे अपने न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।